स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? ए विंध्याचल, बी रिहन, सी सिंगरौली, डी दादरी। आंसर ए विंध्याचल। एक्सप्लेनेशन, 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपनी विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन करके अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। अगला प्रश्न, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राज्य गोपीनाथ धाम रखा जाएगा। ये रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आंसर बी बिहार। एक्सप्लेनेशन, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राज्य गोपीनाथ धाम रखा जाएगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। राज्य गोपीनाथ धाम एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल है। ये निर्णय क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नगर परिषद ने नाम में इस परिवर्तन के लिए पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया है। अगला प्रश्न, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का कौन सा संस्करण 6 नवंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया है? ए 1.0, बी 2.0, सी 3.0, डी 4.0। आंसर सी 3.0। एक्सप्लेनेशन, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत 6 नवंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। यह अभियान 1 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 30 नवंबर 2024 तक चलेगा। यह अभियान पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 800 शहरों और जिलों में देश भर में चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न, APS 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना, बी APS को अन्य पेंशन योजनाओं के साथ मिलाना, सी सेवानिवृत्ति की आयु कम करना, डी पेंशन राशि बढ़ाना। आंसर ए देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। एक्सप्लेनेशन, 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के सफल पायलट की घोषणा की। अगला प्रश्न, भारत की GDP में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी केरल, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, भारत की GDP में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ESBDEPM के वर्किंग पेपर के अनुसार महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 2010-11 में 15.2% से घटकर 2020-21 में सिर्फ 13% और 2023-24 में 13.3% हो गई है। पिछले दो दशकों में भारत की GDP में गुजरात की हिस्सेदारी 2010-11 में 7.5% से बढ़कर 2022-23 में 8.1% हो गई है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में गुजरात की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से अधिक है।